सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सबिसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कर लात मने सालोकानाम तिलोकानाम यद्यदा दर्पणायते। समन्वदाचार्य देव द्वारा विरचित यह रत्न कर्ण शाकाचार नामक ग्रंथ जो चरणन योग पर ग्रंथ है लेकिन चारण योगों का सार है, ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ जो कि आठ अधिकारों में निबद्ध है, उसके आठवें अधिकार प्रथम अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाओं पर विचार कर रहे हैं। ये 11 प्रतिमाएं इस पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को मोक्ष रूपी महल में चढ़ने के लिए सीढ़ियों के समान है कि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी तो उसने सम्यक दर्शन के रूप में पार कर ली, लेकिन और आगे उस मोक्ष महल में बढ़ने के लिए ये 11 प्रतिमाएं सीढ़ियों के समान हैं जो इस ग्रस्त श्रावक को निर्द्वंद अवस्था धारण कराकर मोक्ष पद में ले जाती है। ऐसी ये 11 प्रतिमाएं 11 स्टेप 11 सीढ़ियां इन पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें 11 प्रतिमाओं के नाम हैं दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रौषधोपवास प्रतिमा, सत्य त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवामैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसी 11 प्रतिमाएं हैं जिनमें पहली दर्शन प्रतिमा पे हमने विचार किया था, दर्शन प्रतिमा का स्वरूप हमने जाना था और दर्शन प्रतिमा का स्वरूप जानने के बाद व्रत प्रतिमा के स्वरूप में व्रत प्रतिमा का धारी जीव जिन 12 व्रतों का निरतिचार रूप से पालन करता है, निसल्लय होकर पालन करता है, उन निसल्लयों को भी हमने जाना था और उन निसल्लय पूर्वक निरतिचार पूर्वक जिन 12 व्रतों का वो पालन करता है, जिन 12 व्रतों को धारण करता है उस पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। इस प्रकार की ये 5 व्रत हैं जिनमें से 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत इन पर मैं चर्चा की थी। अनुव्रत यानी पापों का स्थूल त्याग और गुणव्रत यानी कि अनुव्रतों में वृद्धि कराने वाला, अनुव्रतों का विकास करने वाला, और शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत किसे कहते हैं कि जो जिन व्रत के पालन करने से मुनि धर्म के पालन करने की शिक्षा देता है उसको कहते हैं शिक्षा व्रत। कि शिक्षा देने वाला व्रत शिक्षा व्रत है। किसकी शिक्षा देने वाला है कि उस मुनि धर्म के पालन की शिक्षा देने वाला है कि मुनि धर्म का पालन कैसे होता किया जाता है जीव को। तो ऐसा ही शिक्षा व्रत है। इसके 4 भेद हैं, सामायिक, प्रौषधोपवास, भोग उपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इन 4 पर चर्चा करेंगे अभी हम, इन 4 का स्वरूप जानते हैं। तो देखो सामायिक में पंडित दौलतराम जी ने तो चौथी डायरी में लिखा कि धरे और समता भाव सदा सामायिक करिए।
समता का भाव धारण करके सदा सामाय करना चाहिए कि मन में समता का भाव धारण करो और समता का भाव धारण कर प्रतिदिन आत्मा का ध्यान करो। समता का भाव धारण करते हुए अपने शुद्धात्मा का ध्यान करते हुए ये सामायिक शिक्षा व्रत होता है कि बिना समता के सामायिक नहीं हो सकती। कि कोई ये सोचे कि हम तो सुबह दोपहर शाम हम तो सामायिक करते हैं लेकिन समता भाव का पता नहीं है कि समता भाव कहते किसको है, तो उनके सच्ची सामायिक नहीं है, उसको हम सच्ची सामायिक नहीं कहेंगे। वो किसी भी तरह से सच्ची सामायिक नहीं कहला सकती कि मन में समता भाव को धारण करते हुए वो सामायिक होती है और सर्वत्र सभी पांचों पापों का त्याग होता है उस समय, जिस समय सामायिक होती है। और पांचों पापों का त्याग बिना समता को धारण की नहीं हो सकता। देखो सामायिक का यदि हम शब्द अर्थ भी देखें शाब्दिक अर्थ, तो सामायिक में दो शब्द हैं, एक सम और एक आय। सम और आय दो से मिलकर बना है सामायिक। तो सम का अर्थ तो है कि समता भाव धारण करना, राग द्वेष से रहित होकर जैसी वितराग परिणति वैसी वितराग परिणति धारण करना कि भला करने वाला भी और बुरा करने वाला दोनों को एक जैसा देखना, महल और मसान को एक जैसा देखना कि ना महल में अंतर ना मकान मसान में अंतर, शत्रु और मित्र दोनों में बराबर देखना, राग करना ना द्वेष करना, ऐसी जो राग द्वेष से विमुक्त परिणति है उसको कहते हैं समता भाव। तो सम का अर्थ है समता और आय, आय का क्या अर्थ होता है लौकिक में भी लाभ होना। तो ऐसे सम रूपी परिणामों में जो ज्ञान आदि का लाभ होता है उसको कहते हैं सम आय, सम आय। और ऐसा सम आय जिसका प्रयोजन है उसमें एक शब्द और जोड़ दो समाय में तो हो गया सामायिक। कि जिसका ये प्रयोजन है कि सामायिक का प्रयोजन क्या है कि सामायिक का प्रयोजन है राग द्वेष से रहित होकर अपनी वितराग परिणति में लीन रहना, अपने ज्ञान आदि गुणों का लाभ करना कि जिनसे हम विमुख हो रहे हैं उनका चिंतन करना, ज्ञान आदि गुणों का शुद्धात्मा का चिंतन करना, उस जिसमें इसका प्रयोजन है उसको कहते हैं सामायिक, उसकी वाला सामायिक नहीं है। हम ये बोल तो देते हैं धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए कि हम तो सामायिक करते हैं समता भाव धारण करते हैं, लेकिन वो सच्ची सामायिक नहीं है। कि जिसका प्रयोजन समता भाव हो, जिसका प्रयोजन राग द्वेष का त्याग हो, जिसका प्रयोजन शुद्धात्मा में लीनता हो उसको कहेंगे सामायिक, उसके बिना सामायिक नहीं है। कि राग द्वेष के कारण उपस्थित हो जाए तो उन कारणों में भी समता भाव रखना, मध्यस्थता रखना। और जो पदार्थ राग द्वेष के कारण है उनमें मध्यस्थता रखना उसका नाम है सामायिक। कि राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष नहीं करने का नाम सामायिक है, इसके बिना सामायिक नहीं हो सकती। और इसका एक दूसरी तरीके से अर्थ किया जाता है सामायिक का कि समय कहते हैं आत्मा को, तो आत्मा में लीनता समय प्लस एक कि आत्मा में लीनता इसका प्रयोजन है उस शुद्धात्मा को जो चाहता है उसको कहते हैं सामायिक। तो शॉर्ट में कहें यदि हम तो समय किसको कहेंगे कि शुद्धात्मा के ध्यान का नाम सामायिक है। कि शुद्धात्मा का जहां ध्यान है उसको हम कह देंगे कि ये सामायिक है, उसकी बिना सामायिक नहीं हो सकती। और ऐसा सामायिक करने वाले को जिस समय वो सामायिक करता है श्रावक उस समय उसको मुनि के समान कहा है। मुनि नहीं कहा है क्योंकि उनके अभी पूरे परिणाम त्याग नहीं है,
और अभी प्रत्याखनावरण कषाय का उदय भी चल रहा है, इसे मुनि तो नहीं कहेंगे हम उनको, लेकिन मुनि के समान कहा है कि उस समय वो भी बीत राग रूप है, राग देश से रहित है, समय समय कह रहा है कि मुनिराज जीवन पर्यंत के लिए समस्त हिंसा आदि पांचों पापों का पूरी तरह त्याग करते हैं, और इसने स्थूल त्याग तो किया हुआ है जीवन पर्यंत के लिए, लेकिन जो सूक्ष्म त्याग है उस सामायिक के काल में इसने उसका भी त्याग किया हुआ है। किसानों में बोलते हैं ना कि जिसने समय की मर्यादा ली उतने समय तक शरीर पर जो स्थित है वस्त्र आदि उनके प्रति भी निर्मत होके इस स्थान को नहीं छोड़ते हुए इस स्थान से अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा उठकर जितने समय की मर्यादा ली है समय की, तो उस स्थान के हटके कहीं नहीं जाएगा, तो सब जगह का पूरी तरह से त्याग हो गया पांचों पापों का। इसीलिए कहा कि सामायिक के काल में वो श्रावक मुनि के समान है। कि उस समय वो समस्त आरंभ और समस्त परिग्रह से रहित है, कि उसने जो उसने वस्त्र आदि धारण किए हुए हैं उनके प्रति भी उस समय निर्मत भाव से बैठा है वो सामायिक करने वाला श्रावक। और ऐसे उत्कृष्ट श्रावक तो सामायिक भी एकांत स्थान में जाके, एक समय कहाँ होता है, एकांत स्थान में जाके होता है। श्री सुदर्शन की कथा पढ़ने में आती है, या श्री सुदर्शन शमशान में जाते थे सामायिक करने, रात में शमशान में जाके बैठ के सामायिक करते थे एकांत स्थान में, जहां किसी का कोई उपद्रव ना हो, कहां जहां कोई हो ही ना, जहां अपने को किसी भी प्रकार का हम कहें कि किसी भी प्रकार का धर्म से विमुख करने वाला कोई कार्य करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति ना हो किसी भी तरह से, ऐसे एकांत स्थान में जाकर सामायिक की जाती है, और उतने समय तक सर्वत्र पांचों पापों का त्याग होता है। तो देखिए वह देश में अनंत धन व्रत में जो मर्यादा ली, मर्यादा के अंदर भी अब तो उसने पूरे क्षेत्र में त्याग कर दिया। इस प्रकार की सामायिक की प्रतिज्ञा पढ़ के देखें, सामायिक करने बैठते हैं श्रावक तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं, और एकांत स्थान इसलिए सुनते हैं कि चित्त को चंचलमान करने वाला कोई ना हो, कि चित्त किसी प्रकार से चंचलमान ना हो जाए, कि सामायिक के समय में कोई उपसर्ग आ जाए श्रावक के ऊपर तो वो भी धैर्य धारण करते हैं मुनियों के समान, ऐसी होती है सामायिक। इसलिए तो कहा ना कि ये शिक्षावत क्या है, मुनि धर्म के पालन करने की शिक्षा देने वाले हैं। आचार्य अमृतसर देव ने भी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में वहां उन्होंने लिखा, वहां उन्होंने कहा कि ये सामायिक जो है ये तत्वों की उपलब्धि का मूल है, इसीलिए राग द्वेष को त्याग कर समस्त द्रव्यों में साम्य भाव को धारण करके बार बार सामायिक करना चाहिए। मां पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 128 नंबर का श्लोक है, राग द्वेष त्याग निखिल द्रव्येषु साम्य अवलम्बा तत्व उपलब्धि मूलम बहुशः सामायिक कार्यम, कि तत्व की उपलब्धि में मूल है ये सामायिक तत्व, यानी आत्म तत्व, आत्म तत्व की उपलब्धि में मूल है, इसके बिना आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं है। इस प्रकार का ये सामायिक है। सामायिक में श्रावक मौन धारण करके मन वचन काय की चंचलता को छोड़कर परिचय आदि भी सहन करता है, उपसर्ग आदि भी सहन करता है, और इसलिए उसको मुनि के तुल्य कहा है। और सोमदेव सूरी ने शुद्धात्मा से हटके उन्होंने सामायिक में एक चीज और जोड़ी कि देवसास गुरु की सेवा का उपदेश शुद्धात्मा का उपदेश होने से उसको भी समय में लिया, और उसमें किए जाने वाले कार्य को सामायिक कहा, लेकिन उसको व्यवहार सामायिक कहा, निश्चय सामायिक तो शुद्धात्मा का ध्यान ही है।
ये निश्चय सामायिक है, ये व्यवहार सामायिक है। हाँ तीन काल सामायिक किया जाता है, त्रिकाल वंदना की जाती है। शुद्ध होकर शुद्ध कपड़े आदि पहनकर चैत्यालय में अपने घर में प्रतिमा के सम्मुख बैठकर या अन्य किसी पवित्र स्थान में बैठकर पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर जिनवाणी जिन धर्म जिन बिंब पंच प्रमिष्टि जिनालय शुद्धात्मा इन सबकी त्रिका वंदना करना उसका नाम है सामायिक। कायोत्सव इसको कहा जाता है कि कायोत्सव करता है उस समय वो जीव पूरी तरह से निर्मत होके सामायिक करता है और ये सामायिक मोक्ष का उत्कृष्ट साधन है। इसलिए प्रमाद त्याग कर रात्रि और दिन के अंत में अवश्य ही सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। सुबह के समय और शाम के समय तो करना ही चाहिए और शक्ति हो तो मध्याह्न में भी करना चाहिए। कि ये उस आत्म ध्यान का अभ्यास है सामायिक, कि जो वो जीव निर्घंत पद को लेने वाला है, जिस पद को पाने की भावना कर रहा है, उस पद में जो आत्म ध्यान किया जाएगा उसका अभ्यास है ये सामायिक शिक्षा व्रत। किसका अभ्यास करते 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 इसका अभ्यास ही एक दिन निर्गंत रूप होके और फिर शुक्ल ध्यान रूप होके मोक्ष में ले जाएगा। और ऐसा नहीं कि समता भाव सिर्फ सामायिक के काल में रखो, सामायिक के काल में विशेष समता भाव है और बाकी समय में भी समता भाव रखता है वो जीव। और कोई उपसर्ग परिचय आदि बाधा आ जाए तो उस समय वो विचार करता है कि मैंने अनादि काल से लेकर अब तक अनंत काल इस संसार में भ्रमा हूं, मैं क्षुधा दशा रोग वियोग मारण तारण बंधन नारायण क्या किन किन दुखों को सहा है, ये संसार आसरण है, किसी भी क्षेत्र काल में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, अशुभ कर्मों के बंधन से बंधा हुआ दुख देने वाला ये अशुभ देह पिंजरे के समान है, इस पिंजरे में मैं फंसा हुआ हूं, ये संसार अशुभ है, ये संसार रहने लायक नहीं है, इस संसार में रमना नहीं है, इस संसार में मैंने अनंत काल अनादि काल से भ्रमण करते हुए उत्तम क्षेत्रों को भी पाया, उत्तम निवास उत्तम कुल इंद्रियों की पूरी पूर्णता सारी अनुकूलताएं सुंदर रूप प्रबल बुद्धि जगत में यश राज्य संपदा धन आदि जो जो जीव जो जो हम चाहते हैं वो सब हमने अनंत भाव पाया है। आज्ञाकारी पुत्र का मिलना बलवान पना आज्ञा ऐश्वर्य मनवांछित सारे भोग सब कुछ हमको कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये सब बिजली के समान इंद्रधनुष के समान मेघों के समान क्षणभंगुर हैं, ये संसार नित्य है। इस प्रकार बारह भावनाओं का चिंतन करता है कि ये संसार तो असरण है अनित्य है दुख रूप है ये मेरा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार का चिंतन करता है। इस प्रकार सामायिक में स्थित गृहस्थ बारह भावनाओं का वैराग्य भावना का प्रतिक्रमण आदि सारे आप ये सब आपको पता ही होगा सामायिक का, तो संसार और मोक्ष के स्वरूप का विचार करते हुए इस संसार से पूरी तरह से विरक्ति ले लेता है, विरक्त हो जाता है, विरक्ति भाव आता है उसके मन में। आगम में ऐसा आता है कि यदि समता भाव पूर्वक दो गरीबी सामायिक कर ले तो बहुत कर्मों की निजरा हो जाती है।
ऐसा है ये सामयिक। सामयिक कैसा फल है कि ये सामयिक कर्मों की निजरा कराने वाला है। दो घड़ी सामयिक कर ली तो कर्मों की निजरा हो जाए, बताओ। ऐसा ये सामयिक भाव। दो घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भ्रमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भ्रमाओ। बस दो घड़ी यही सामयिक करें तो शिव कर्मों की निजरा हो जाती है। ये सामयिक, इसकी महिमा कहने को इंद्र जिनेंद्र आदि भी समर्थ नहीं है कि सामयिक के प्रभाव से द्रव्यलिंगी मुनि भी गिरवक्त चला जाता है। सामयिक के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, ना हुआ है, ना होगा, ना हो रहा है दूसरा कोई धर्म। इसीलिए ये सामयिक आत्मा का हितकारी है। आचार्य समुद्रवत देव ने को यहां तक लिखा, रत्नाचार्य चार में लिखा उन्होंने कि जिनको सामयिक पाठ का ज्ञान नहीं है, सामयिक पाठ याद भी नहीं है, तो बेबी एकाग्रता से मन वचन काया को निश्चल करके समस्त आरंभ कषाय विषयों का त्याग करके पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए दो घड़ी पूरी करें, ऐसा ये सामयिक व्रत है। ऐसा ये सामयिक सभी जीवों को करना ही चाहिए। पंडित आशा दादी ने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे पत्थर पर जल की बूंद निरंतर टपकती रहे तो पत्थर में इतनी गड्ढा पड़ जाएगा। ये कहते हैं रस्सी आवत जावत है शिल्प परत निशान, कि उस कुएं पर रस्सी बार बार पत्थर पे आ रही है जा रही है तो वो एक दिन पत्थर में भी निशान बना देगी, गड्ढा बना देगी पत्थर में। उसी प्रकार अभ्यास करते करते सामयिक की बहुत सरल हो जाती है, बहुत सरल कार्य है। लगता हमको ऐसा है कि सामयिक करना कितना कठिन कार्य है कि बहुत सरल कार्य है, कि सबसे सरल तो यही कार्य है अपने में रहना, अपने से बाहर जाना वो कठिन है, और कठिन कार्य को करने का हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। इस प्रकार का ये सामयिक बहुत कठिन नहीं है। ये हम लोगों की मिथ्या मान्यता है, ये हमारी प्रमादपूर्ण बातें हैं कि सामयिक तो बहुत कठिन है, सामयिक तो मुनिराज ही कर सकते हैं, कि नहीं श्रावक ही कर सकते हैं सामयिक, और बहुत सरल है सामयिक करना। ऐसा ये सामयिक व्रत हम सबको धारण करना चाहिए। इस सामयिक व्रत के 5 अतिचार भी हैं, इन अतिचारों का भी वह श्रावक त्याग करता है, कि सामयिक करते समय वचन दूप परिधान, काया दूप परिधान, दूप परिधान, अनादर, आस्मरण, इस प्रकार के 5 अतिचार हैं। इन अतिचारों से रहित होकर सामयिक करनी चाहिए। जो ये एक मन वचन और काय, 3 तो इसके हैं, जैसे वचन दुष्परिधान बोलो या वचन योग दुष्परिधान बोलो, मनोयोग दुष्परिधान, काय योग दुष्परिधान, अनादर और आस्मरण को
कहीं स्मृति अनुपस्थित, स्मृति अनुपस्थापन भी कहा है। इस प्रकार के पांच अतिचार हैं। वचन दुपरिधान की वचन की अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करना, कि सामायिक करते समय वचनों के द्वारा संसार संबंधी प्रवृत्ति नहीं करना, कि किसी भी प्रकार से वह श्राव वचनों के द्वारा इस संसार संबंधी किसी भी कार्य की प्रवृत्ति नहीं करता। कि ऐसा नहीं है कि मैंने तो नियम ले लिया एक घंटे सामायिक करूंगा, एक घंटे यहां से लूंगा भी नहीं, लेकिन किसी दूसरे को बोला जा रहा है भाई ये काम कर दे, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, बीच चीज में बोलना है, कि उसका नाम सामायिक नहीं है। ये तो ये बताता है कि तुम्हारी एकाग्रता ही नहीं है, तुम सामायिक नहीं कर रहे हो। इस प्रकार सामायिक करते समय वचनों की अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कि सामायिक का काल तो उसने सारे पापों का त्याग किया हुआ है, और फिर भी यदि वो संसार संबंधी कार्यों को वचनों के द्वारा प्रवृत्ति करे, वचनों के द्वारा उनको प्रवर्तन में ले, तो उसके सामायिक नहीं कह सकते, उसके सामायिक नहीं है सच्ची। फिर काय योग दुष्परिधान, कि उस सामाय करते समय शरीर की अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करना, शरीर के संयम पने से चलायमान नहीं हो जाना, ऐसा वह सामायिक है। मनोयोग में भी मन के द्वारा भी अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करना, कि बैठे हो ध्यान करने और संसार संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं, कि ऐसा ही वैजीव नहीं करता। अरे उसने तो एक जिसके समान कोई धर्म नहीं है ऐसी प्रवृत्ति को धारण किया है, और ऐसे में भी यदि वह मन के द्वारा भी अन्यथा प्रवृत्ति करे तो वह अतिचार लगता है, जानबूझ के करे तो फिर प्रवृत्ति नहीं है उसको। और देखो ये सामायिक भी करने के लिए सात प्रकार की शुद्धि भी कही जाती है, सात शुद्धियों को भी हमको धारण करना चाहिए। चित्त शुद्धि, काल शुद्धि, आसन शुद्धि, विनय शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। तो जब मन वचन काय की शुद्धि होगी तो ये दुष्परिणाम अपने आप ही नहीं आएंगे, अन्यथा प्रवृत्ति अपने आप ही नहीं होगी। तो ऐसी सात शुद्धियां हैं, ऐसी सात शुद्धियों से ये सामायिक व्रत शुद्धता को प्राप्त होता है। सामायिक के बारे में तो जितना बोला उतना ही कम है, जैसे थोड़ा सा हम सात शुद्धियों को देख लेते हैं यदि बात चर्चा आई है तो। जैसे क्षेत्र शुद्धि, कि जिस क्षेत्र में किसी प्रकार की ध्वनि आ रही हो, डिस्टर्बेंस आ रहा हो, कोई आवाज आ रही हो, भीड़भाड़ हो रही हो, मच्छर आदि हो, ऐसे क्षेत्र में सामायिक नहीं करता जीव। कि जहां ध्वनि नहीं आ रही हो, भीड़भाड़ नहीं हो, दस मच्छर आदि ना हो, ऐसे क्षेत्र में जाके सामायिक करता है, ऐसे क्षेत्र को देखता है, उसका नाम है क्षेत्र शुद्धि। और काल शुद्धि की जो सामायिक का काल कहा गया है उस काल में करना, प्रातः मध्य और संध्या काल, इन तीन समयों में सामायिक करता है, यह है काल शुद्धि। उसमें जो सामायिक को भी तीन प्रकार से आगे में डिवाइड किया गया है, उत्कृष्ट सामायिक, मध्यम सामायिक, जघन्य सामायिक। कि जो प्रातः मध्य और संध्या काल इन तीनों कालों में शुद्धि सही प्रीति पूर्वक छह छह घड़ी सामायिक करते हैं, छह घड़ी सुबह, छह घड़ी दोपहर, छह घड़ी शाम को, उसको कहते हैं उत्कृष्ट सामायिक। और जो इन तीनों कालों में चार चार घड़ी सामायिक करते हैं उसको कहते हैं मध्यम सामायिक, और जो दो दो घड़ी सामायिक करते हैं वो जघन्य सामायिक। जितने समय तक तुम्हारे परिणाम में स्थिरता है उतने समय तक ही सामायिक का काल कहा जाएगा, उसके अलावा तुमने सामायिक नहीं की, तुम्हारे परिणाम में स्थिरता नहीं है तो।
ऐसे उन कालों की मर्यादा लेके जो काल है उस काल में ही सामाय करना, उसका नाम है काल शुद्धि और आसन शुद्धि। कि किस आसन में बैठकर सामाय करना, ऐसे नहीं कुछ भी लेटे लेटे को भी सामाय करने लग जाए, कि खड़े खड़े सामाय करने लग जाए, कि सामाय के लिए आसन भी चित होना चाहिए। आगे में आता पल्यंक आसन, ऐसा धारण करके तीन लोक में जो उत्तर में सबसे भगवान आत्मा उसका ध्यान करना चाहिए। चौथी विनय शुद्धि है कि समस्त विकल्पों को छोड़कर जिनेन्द्र देव के वचनों में और शुद्धात्मा में मन को एकाग्र करके जिनेन्द्र देव को नमस्कार आदि करते हुए स्मरण करना चाहिए। ये विनय शुद्धि ये सामायिक का मूल है। मन शुद्धि ये तो हमने लिया है चार में, कि मन में अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करना, मन में जिन्हें भगवान के स्वरूप का और शुद्धात्मा का चिंतन करना, उसका नाम मन शुद्धि। वचन शुद्धि में सामायिक के अतिरिक्त और कोई वचन नहीं बोलना, उसका नाम वचन शुद्धि। और सामायिक के समय शरीर संबंधी अन्य कोई क्रिया नहीं करना, उसका नाम है काय शुद्धि। और यदि हम कहें शॉर्ट में कि ममत्व भाव का त्याग, उसका नाम है सामायिक। और ये सामायिक की मुच्छ दिलाने वाली है, मुच्छ पद में ले जाने वाली है। और जितना अपने से हो सके यथाशक्ति उतना समय करना चाहिए। पंडित द्रौपदी राम जी ने लिखा कि सामायिक सो नहीं मित्रा, दूजो व्रत सोई पवित्रा। सामायिक सो नहीं मित्रा, दूजो व्रत सोई पवित्रा। गृहपति को जति पति तुल्या, करई है व्रत जो अतुल्या। कि सामायिक सोनी मित्रा, कि सामायिक के समान कोई मित्र नहीं है, कोई उपकारी नहीं है सामायिक के समान। दूजो व्रत सोई पवित्रा, कि सामायिक के समान दूसरा कोई पवित्र व्रत भी नहीं है। गृहपति को जति पति तुल्या, कि गृहस्थ श्रावक को मुनिराज जैसा बना देता है। जति पति तुल्या, करही व्रत जो अतुल्या, कि जो इस अतुल्य व्रत को अनुपम व्रत को धारण करता है श्रावण महिला जैसा हो जाता है। ऐसा ये सामायिक है, ये सामायिक आत्र और ध्यान छोड़कर सुंदर भाव पूर्वक किया जाता है। तो हमारी बात चल रही थी चार पे, कि मनोयोग दुष्परिधान, बाघ योग दुष्परिधान, काय योग दुष्परिधान, कि मन वचन काय की अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होना, उसका नाम तीन अति चार है। या अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करना का है कि उसमें देखो ये भी आ जाएगा, जैसे सामायिक के समय में जो हाथ पैर आदि चला रहा है, आसनों को बदल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको भी कार्य संबंधी दोष लगता है। ऐसा ये अतिचार है काय योग नाम का, काय योग दुष्परिधान नाम का। चौथा अतिचार है अनादर, कि उत्साह रहित होकर सामायिक करना, उसका नाम है अनादर। कि सामायिक के समय तुम्हारा उत्साह ही नहीं है, आदर भाव ही नहीं है, ना जिनेन्द्र देव की श्रद्धा है, ना शुद्धात्मा की श्रद्धा है, तो ऐसा ये चौथा तीसरा अनादर नाम का पाप का स्थान भूत है, पाप का स्थान है वो। और पांचवा है स्मृति अनुपस्थान या आस्मरण, कि चित्त की एकाग्रता नहीं होने से सामायिक पाठ आदि को भूल जाना, उसका नाम है स्मृति का अनुपस्थापन। कि सामायिक में एकाग्रता नहीं होना, मुझे सामायिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, काल के बारे में भूल गए, किस समय करना चाहिए सामायिक, या मैंने सामायिक की नहीं की, याद ही नहीं है उसको,
इस प्रकार प्रमाद के कारण स्मरण नहीं रहने का नाम है अस्मरण नाम का तिचार या स्मृति अनुपस्थान नाम का तिचार। सामायिक इन पांचों तिचारों को त्याग कर ही होता है। और पंडित आशा दर्जी ने तो इन पांच अतिचारों को और विस्तार से लिखा, उन्होंने और विस्तार दिया। उन्होंने तो यहां तक लिखा हमने मनोवचन काय की जो बात की कि अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होना, और उन्होंने तो यहां तक लिखा कि जो वचन दुष्परिधान है कि तुम सामायिक पाठ का और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो लेकिन उसका अर्थ का तुमको ज्ञान ही नहीं है, तो वो ही वचन दुष्परिधान नाम का तिचार है, ऐसा लिखा। कि सामायिक के समय तुम स्थिर नहीं रह पा रहे हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, तुम्हारे वचन भी स्थिर नहीं है, तुम्हारा मन भी स्थिर नहीं है, तुम्हारा काय भी स्थिर नहीं है, तो वो निरतिचार रूप से सामायिक नहीं है। और पंडित आदर्श जी ने एक चीज और लिखी कि आप यदि ऐसा सोचो कि बिना विधि के सामायिक करने से तो अच्छा है सामायिक ही नहीं करें, तो ऐसे वचन को प्रमाण मानकर तिचार लग जाएंगे, ऐसी संभावना से सामायिक नहीं करना वो और भी बड़ा पाप है, वो उचित नहीं है। कि तुम प्रारंभ में तो सामायिक करने बैठोगे तो तिचार लग भी जाएंगे, क्योंकि ये चारित्र की कमजोरी है श्रावक की। इसीलिए उसको प्रत्येक समय प्रयास कर करके ही उसके वो सामायिक में स्थिरता बढ़ेगी। जितना जितना वो उपयोग लगाएगा, जितनी जितनी स्थिरता बढ़ाएगा उतनी उतनी उसकी उपयोगिता स्थिरता बढ़ेगी आत्मा में। अरे सामायिक के समय में वो सभी प्रकार के बैर भावों को छोड़ के सबसे क्षमा मांग कर सबको क्षमा करके सामायिक पाठ तो याद होगा आपको कि सब मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, आत्मा के अलावा मेरे लिए सब पर है, मैं तो शुद्ध बुद्ध अखंड रूप एक शुद्ध आत्मा ही हूँ, अनंत गुणों का भंडार हूं मैं तो, बस बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करते हुए अपने आप स्वरूप का अनुभव करता है। इस प्रकार ये सामायिक किया जाता है। सामायिक का आपको ख्याल ही होना कि सामायिक किस प्रकार की जाती है उसको यदि हम देखें थोड़ा सा कि चारों दिशाओं में नौ नौवा नौ का मंत्र बोलकर नौ का मंत्र का जाप करके पंच परमिष्टि कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय वर्तमान तीर्थंकरों को नमस्कार करके अत्यंत भक्ति पूर्वक पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके अष्टांग नमस्कार करते हुए शरीर मन वचन काय की को कलुषा से रहित रखते हुए सामायिक करने बैठना चाहिए। और सामायिक के समय बारह भावनाओं का वैराग्य भावना का इस असार संसार का अपनी शुद्ध आत्मा का इन सब का चिंतन करना चाहिए। सात तत्वों का कि तत्व का क्या स्वरूप है, इस संसार का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, इस प्रकार इन सभी बातों का चिंतन करते हुए ये सामायिक करना चाहिए, उसी का नाम सामायिक है, उसके बिना सामायिक नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के परिणाम रखते हुए हमको वह सामायिक ग्रहण करना चाहिए। समता भाव हमने समता षोडशी में काफी पढ़ा था कि समता भाव को कैसे धारण करें, कि वहां से समता भाव की विधि सीखकर यहां सामायिक अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए। समता कैसे रखें,
कि वस्तु स्वरूप का वस्तु स्वरूप क्या है उसको जान के संताप आएगा, उसके बिना संताप नहीं आ सकता। कि वो समता भाव, यदि तुम वस्तु व्यवस्था को नहीं जानोगे, कर्मों के स्वरूप को नहीं जानोगे, तो समताव नहीं आ सकता। मुनिराज भी सामायिक करते हैं, वस्तु व्यवस्था को भली भांति जानकर सामायिक करते हैं कि वस्तु व्यवस्था को जाने बिना मित्र शत्रु में अंतर कैसे नहीं करेगा जी। वस्तु व्यवस्था का उसको यदि ख्याल में नहीं होगा, वस्तु व्यवस्था का, तो किस प्रकार अंतर करेगा वो? और अंतर नहीं करेगा तो फिर संतराव कैसे रह पाएगा? ये जो जानेगा ही नहीं, मित्र को मित्र और शत्रु को शत्रु की तरह बिहेव करता रहेगा, ये नहीं जानेगा कि चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे घर हो चाहे शमशान हो, चाहे स्तुति करने वाले हो चाहे निंदा करने वाले हो, किसी से कुछ भी नहीं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारा तो जो होगा वो हमारे कर्म को देख के अनुसार होगा। कि शत्रु हमको मार दे या मित्र हमको बचा ले, ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। और जब ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है तो किस बात का राग किया जाए, किस बात का द्वेष किया जाए? इस प्रकार वस्तु व्यवस्था को जानकर विषमता भाव को धारण करेगा। इसलिए वस्तु व्यवस्था को बलिवादी जाने, कर्म के उदय का प्रत्यक्ष विचार करें। सुंदर सूरत से उन्हें चर्चा ली थी, इसकी काफी विस्तार से आपको ध्यान भी होगी, तो इस प्रकार हम विचार करें। और चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, चाहे महल हो चाहे मसान हो, उसे समता भाव धारण करें। मुनिराजों की भी उसमें छठी डाल में अपनी डॉक्टर में लिखा, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घा बतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। ऐसी अवस्था है तो ऐसे उन सारी चीजों में हम भी समता भाव को धारण करें, और समता भाव को धारण करके इस सामायिक व्रत को अंगीकार करें, तभी हम मोक्ष में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सामायिक ही मोक्ष का जनक है, मोक्ष को देने वाला है, मोक्ष महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। ऐसे सामायिक को हम ग्रहण करें, शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हुए हम भी अपने शुद्ध आत्मा में लीन होकर अपने कर्मों की निजरा करते हुए जो काम आचार्य भगवंतों ने किया और करके वो आज सिद्धालय में विराजमान है, तो हम भी वो कार्य करें। कि हमारे आदर्श तो वही आचार्य भगवंत हैं कि जिन्होंने इस संसार में जन्म मरण का अभाव करके, संसार दुखों का अभाव करके सिद्धों का सुख पा लिया, सिद्धों के साथ जाकर विराजमान हो गए। और हमारे आदर्श वो हैं, तो जो उन्होंने कार्य किया वो हम भी करें। तो उन्होंने भी शुद्धात्मा में एकाग्रता पूर्वक समता भाव को धारण करते हुए मन वचन काय की प्रवृत्ति को भाव से हटाकर सामक आदि को करके मुझ मन में आगे बढ़े, तो हम भी उनकी तरह आगे बढ़कर सिद्धों के साथ विराजमान हो, सिद्धालय में जाकर अनंत काल की सुखी हो जाए। इस प्रकार की मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।